हेलो व्यूवर्स, बानवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट निखिल कुमार, यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी बिल्कुल आसान शब्दों में एनालिसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी टाइम फ्रेम जो होगा अपना 5 मिनट और बीटी लेवल बैंक निफ्टी में। बहुत कुछ चीज़ें घट गई मार्केट में, मैं थोड़ा फ्री नहीं हूँ इस वजह से काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं एनालाइज कर लेंगे मंडे को मार्केट में कैसे प्ले करना है, क्या पोजीशन रहेगा, कैसा बिहेव कर सकता है मार्केट, क्या आउटलुक रहेगा, क्या इंपॉर्टेंस लेवल रहेगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। और प्रीवियस में जो मार्केट ने किया है वो सबको दिख ही रहा है कि मार्केट ने क्या किया। देखो, मार्केट फॉल होता है, उठता जरूर है। ये इतना लंबा चौड़ा फॉल हुआ, बहुत अच्छा फॉल हुआ था मार्केट में। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 7 to 8% के करीब जो है फॉल देखने को मिला था ये इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट का। और मैंने बताया भी था कि अगर इम्पैक्ट गलत आता है, अगर जो पूर्ण बहुमत की सरकार अगर नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं मार्केट निगेटिव लेगा उस चीज़ को। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन को भी देखकर चलेंगे, बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते थे यार। प्राइस एक्शन को देखकर 4 तारीख को ट्रेड किया जा सकता था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, थोड़ा पीछे से एनालिसिस करेंगे। ऑलमोस्ट जो है जून जो है 1 तारीख से जो है हम लोग सॉरी 3 तारीख से 3 तारीख जून मंडे से एनालाइज करेंगे। मंडे को क्या हुआ था, ह्यूज गैप अप ड्यू टू द एग्जिट पोल। शायद इनका वीडियो मैंने बनाया था, एग्जिट पोल के कारण अच्छा खासा गैप ओपन हुआ था और इसका मैंने वीडियो एनालिसिस वीडियो डाल दिया था। उसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ऑलमोस्ट 23,000 से मार्केट जो है ऊपर खुलना चाहिए और मार्केट खुला भी था 23,000 से ऊपर। ऑलमोस्ट उस दिन जो है 5 to 6% जो है उस इंडाइसिस में सेंसेक्स, बैंकेक्स और इन सब में देखने को मिला था। इस 4 तारीख को एनालाइज कर लेते हैं, प्राइस एक्शन पूछ लेंगे। प्राइस एक्शन में क्या था, गैप डाउन ओपन हुआ था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने का रीजन था कि जो भी लोग ये पोजीशन यहाँ पे जो जिन्होंने प्रॉफिट बुक जो लेकर गए थे कहीं नहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चाह रहे थे, प्रॉफिट बुक करें और प्राइस जो है वो सस्ता हो तो और डीप में बाय किया जाए। मगर थोड़ा सा मार्केट ने रिजेक्शन इसलिए लिया, ऑलमोस्ट 10%, 9%, 7% और 5 to 6% जो है इस तरह का जो है हर इंडाइसिस में फॉल देखने को मिला था। सबसे ज़्यादा जो फॉल देखने को मिला था सेंसेक्स में, अच्छा खासा सेंसेक्स टूटा, अच्छा खासा बैंक निफ्टी, निफ्टी बहुत तरीके से मार्केट क्रैश किया था। अब सभी को उम्मीद था कि जो है मोदी जी 400 पार होंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। FIIs, DIIs जो है बड़े इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले वो चाहते हैं गवर्नमेंट स्टेबल हो। तो इस वजह से ये फॉल देखने को मिला था मार्केट में। और प्राइस एक्शन को देखते हैं, देखो फॉल रिटेस्टमेंट 50% ऑलमोस्ट रिटेस्टमेंट। ये देखो ये ट्रेड आप जो है ना कभी मत छोड़ा करो, 50% से अगर रिजेक्शन लेते हैं मार्केट एक डिप देगा, फिर यहाँ पे देखो फुल बैक फिर डिप। बॉन्स किया मार्केट सेकंड हाफ में, थोड़ा सा बॉन्स किया फिर साइड होकर बंद हो गया। 5 तारीख का रैली इसलिए क्योंकि वो उस दिन क्लियर हो गया था सारी चीज़ें, कौन जीत रहा है, किनकी सरकार बनेगी, रैली आने स्टार्ट हो गई कि देखो एक डिप के बाद लोग अच्छा खासा बाइंग चाहते हैं क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट इन्होंने जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना था FIIs को DIIs को बुक कर लिया, रिजल्ट आ गया, फिर से बाइंग स्टार्ट हो गया मार्केट में। 5 तारीख को अगर बात करूँ, सेम डे ही हुआ था, 4 तारीख को ही कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। 5 तारीख की डेट में एक रैली देखने को मिला, अपसाइड की रैली। ये 6 तारीख की बात करूँ तो 6 तारीख में भी अच्छा खासा आपको एक पहले बाइंग फिर डिप, थोड़ा साइडवेज लग गया मार्केट को। और 7 तारीख की डेट में रैली कंटिन्यू हुआ और यही रैली कल भी कंटिन्यू रहेगा। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है बैंक निफ्टी, ऑल टाइम हाई ये है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई की बात करो 23,340 ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। और प्रीवियस भी अगर आप देखा जाए यही हाई है, प्रीवियस में ही मार्केट यहाँ से फॉल आया था, यहाँ पे मार्केट आया फॉल आया। अगर इसको ब्रेक करता है अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा और जहाँ तक कल है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, मार्केट पॉजिटिव रहेगा अपसाइड में। अपसाइड के जो लेवल रहेंगे 50-50 पॉइंट्स पे ट्रेल करते चले जाना आप, ऑलमोस्ट जो है 50-50 मानी चलो ये जो लेवल है आपका 23,340 का, तो अगला जो टारगेट होगा या फिर आप जो है इंडिकेटर लगा सकते हो। इंडिकेटर कौन सी होगा, पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड आप ये लगा सकते हो, इस हिसाब लेवल जो है निकाल सकते हो। ये एक लेवल हो गया आपका 20, मैं वही बता रहा 50 पॉइंट्स के अराउंड आप लेकर चल सकते हो, 23,500 तक ये 60 पॉइंट, उसके बाद 50 पॉइंट्स का और आप ले सकते हो अपसाइड में 550 600, इस तरह से आप अपसाइड का भी बना के चल सकते हो। टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेते हैं 15 मिनट में, ऑलमोस्ट 75 मिनट्स में देख लेते हैं, जोन ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग, है ना। ये जो पीवी पॉइंट स्टैंडर्ड है इसको मैं हटा देता हूँ और देखो एक्जैक्टली आप जब बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हो सेम वहीं से मार्केट जो है रिजेक्शन लिया, फॉल आया था, सॉरी यहाँ नहीं, ये तो अभी जा रहा है, यहाँ फॉल आया, अच्छा खासा फॉल आया था। कितना है जिन्होंने भी कैच किया होगा, ऑलमोस्ट इतना वोलेटाइल था मार्केट। मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं बाहर हूँ थोड़ा सा इसलिए वैसे और भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कुछ अपडेट दे पा रहा हूँ, वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। देते हैं टाइम मिलेगा आगे फर्दर और चीज़ें किया जाएगा। 15 मिनट में देखिए तो अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है और मार्केट जो है प्रीवियस हाई, जो ऑल टाइम हाई है प्रीवियस हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। फ्लैट ओपन होता है मंडे के लिए ध्यान रखें, फ्लैट ओपनिंग होता है, नहीं ट्रेड करेंगे ये जोन में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो पहला लेवल हमारा होगा वो होगा 23,400 का लेवल जो है ये मार्केट टच करेगा अगर फ्लैट ओपन होता है तो। पीवट पॉइंट क्योंकि देखो ऊपर कोई लेवल आपको नहीं मिलेगा, ऑल टाइम ये हाई भी यही है मार्केट का, आपको ऊपर लेवल नहीं मिलेगा। उसमें क्या है कि 50 पॉइंट्स के हिसाब से आप उसको
लेवल लगा चल सकते हो, 22-25 पॉइंट्स का ट्रेलिंग एसएल लगाकर आप ट्रेल करते हुए अपसाइड का व्यू बनाकर चल सकते हो। अपसाइड का व्यू इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अभी एक पॉजिटिव ट्रेटरी में है, पॉजिटिव जो है ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है मार्केट जो है। देखो ट्रेंड के अपोजिट मार्केट में कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना। मार्केट अभी क्या है, अप ट्रेंड में है, आपको देखने को मिलेगा। अगर मान के चलो आज कुछ निगेटिव नहीं रहता है तो मार्केट ये आपको सस्टेन करेगा और अच्छा खासा आने वाले दिनों में रैली दे सकता है, जो ऑलमोस्ट हम यहाँ तक देख सकते हैं, ये 23,800 तक का हम रैली आने वाले दिनों में देख सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मार्केट में, मगर फिलहाल हम यहाँ तक थोड़ा टाइम लगेगा जाने में, मगर फिलहाल हमें क्या देखना है कि कल के डेट में मार्केट में जो लेवल निकल के आएगा वो आएगा 23,400 का लेवल होगा पहला लेवल अपसाइड में। इसके बाद आप 23,450 और 500, ठीक है, ये अपसाइड के लेवल्स होंगे। 20-25 पॉइंट्स का आप ट्रेलिंग लगाकर चलोगे, ट्रेलिंग एसएल और ट्रेल करते रहोगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं होता। प्लस ऑल टाइम हाई ब्रेक होते के साथ ट्रेड नहीं लेना है। जैसे यहाँ कैंडल क्लोज करता है, ये मान चलो कैंडल ये धीरे धीरे यहाँ टाइम बिताकर ब्रेक करता है, अच्छा मोमेंट देगा आपको। अगर मार्केट खुलते के साथ निकलता है वो रिवर्स होने का चांसेस आपको हो सकता है कि रिवर्स हो जाए मार्केट। तो हमें क्या ध्यान देना है कि अगर यहाँ फ्लैट ओपन होता है टाइम बिताकर ब्रेक कर देते हैं, एक रिटेस्ट देते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपसाइड के लिए हम लोग व्यू बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर मान चलो मार्केट जो है गैप अप ओपन होता है, जहां तक उम्मीद है मार्केट थोड़ा गैप अप ही ओपन होगा, 23,400 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमें वेट करना है क्या प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे और टाइम किधर मार्केट जो है टाइम जो है सस्टेन कर रहा है कि इस लेवल को सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है वो हम लोग चेकआउट करेंगे। अगर सस्टेन करता है हम अपसाइड का व्यू बनाएंगे, 50-50 पॉइंट्स का टारगेट बनाकर हम अपसाइड में जो है अपना जो है ट्रेलिंग एसएल के हिसाब से चलते रहेंगे आप लोग, ठीक है। डाउन साइड में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, ये लेवल आपका 22-23,170 का लेवल है, ये अगर ब्रेक होता है तो लेवल लगा हुआ है वो लेवल के हिसाब से सारे ये इंपॉर्टेंट लेवल लगे हुए हैं, इस इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से आपको डाउन साइड में ट्रेड मिलेगा। पहला अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना तो हमें लेवल मिलेगा 22,900 का, देखो 10-15 पॉइंट्स लेवल ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उस चीज को ध्यान रखना आप। तो यहाँ से आपका जो लेवल मिलेगा ये फर्स्ट लेवल होगा, ये सेकंड लेवल होगा और ये थर्ड लेवल होगा, ठीक है। प्रीवियस में मार्केट बहुत अच्छा रहा है ट्रेडिंग के पर्पज से, इंट्राडे के पर्पज से बहुत अच्छा रहा है, इन्वेस्टर के पर्पज से बहुत अच्छा रहा। कब रहा अच्छा, जब यहाँ एक डिप मिल गया यहाँ पे वो बाय कर सकते थे, अच्छा इन्वेस्ट कर सकते थे, यहाँ पे एक डिप मिला था अच्छा खासा 10% इंडाइसेस गिरा और यहाँ से रैली दे चुके हैं, ऑलमोस्ट वहीं पहुंच गया जहां से मार्केट फॉल लिया था। तो मार्केट में अभी क्या है पॉजिटिव न्यूज चल रहा है, पॉजिटिव न्यूज है तो हमें क्या देखना अपसाइड का ही व्यू बनाकर चलना है। कभी भी कोई डिप मिले तो बाई करके चलना है, डिप मिले बाई करना है, डिप मिले बाई करना है, मगर उससे हमें क्या ध्यान रखना है लेवल के अनुसार भी करना है, ठीक है। लेवल के अनुसार आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो ब्रेक करता है। तो कोई अगर पोजिशनल आप चाहते हैं कि पोजिशनल लेकर चलेंगे तो पोजिशनल में क्या है कि आपको अपसाइड का ही देखकर चलना है। पोजिशनल मतलब ये नहीं कि स्टॉक में जैसे आपने फ्यूचर लॉन्ग के लिए सोचा है आपने कि फ्यूचर को हमें लेकर चलना है, तो उस हिसाब से जो है अपसाइड का व्यू बनाकर आपको चलना है। बाकी ये एनालिसिस है और प्रेडिक्शन है ये मार्केट का, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, कुछ चीज अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो इन चीजों में, ठीक है। बैंक निफ्टी अपना बीटी लेवल लगा हुआ है ऑलरेडी, बीटी लेवल मैंने बता रखा, बीटी लेवल मतलब क्या होता है, बीटी लेवल 4 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग लगाते हैं, ये लिख नहीं रहा यार, बीटी लेवल टाइम फ्रेम हमारा 4 मिनट का होगा, टाइम फ्रेम मिनट 4 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग क्या लगाते हैं बीटी लेवल, जैसे कि राउंड लेवल हो गया प्लस 33 का वो लगा चलते हैं, 33 इस तरह से आप देखोगे लेवल में क्या लगा 49,933, यहाँ पे लेवल में क्या लगा हुआ वो भी आपको दिख रहा है कि 49,833, यहाँ पे लेवल पे क्या लगा हुआ 49,733, यहाँ पे लेवल पे क्या लगा 49,633, यहाँ पे क्या लेवल पे लगा हुआ 49,533। अपसाइड में क्या भी होगा, देखो राउंड लेवल पे हमें राउंड लेवल पे भी मैंने बताया कि 000 को लेना है हमें, 22 को लेना है, 11 को लेना है, 333 को लेना है, 444 को लेना है, 555 को लेना है, 666 को लेना है, 888 को लेना है, 999 को लेना है, ये सब बीटी लेवल में आएगा। मार्केट आप देखोगे वहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको दिखाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या मार्केट ने किया है 49,933 पे क्या क्या रिजेक्शन दिखाया मार्केट और डीपी यहाँ से सपोर्ट लिया, ये कौन सी लेवल है, ये लेवल है 49,833। प्रीवियस में भी क्या बोला हूँ, मैं प्रीवियस में ये बोला हूँ कि मार्केट 100 पॉइंट अगर किसी लेवल से निकलता है तो 100 पॉइंट आपको वो देगा। देखो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, अगर डीप इन द मनी लेके चलोगे तो 770 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा। मार्केट ने यहाँ टच किया उसके बाद 100 पॉइंट दिया है, मार्केट यहाँ ओपन होता है नीचे देगा 100 पॉइंट देगा, उसके बाद देगा नहीं देगा पता नहीं है, मगर ये जैसे ही ब्रेक करेगा ये 100 पॉइंट देकर जाएगा, ऊपर ब्रेक करेगा यहाँ पे निकलेगा 100 पॉइंट देकर जाएगा। तो बीटी लेवल में यही एक फायदा होता है, 100 पॉइंट का आपको ट्रेड इजी मिल जाता है, 100 पॉइंट का ट्रेड इजी ले सकते हो। कैसे, अभी आप रिजेक्शन लिया 100 पॉइंट दिया, ठीक है, फिर से रिजेक्शन लिया 100 पॉइंट दिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया 100 पॉइंट दिया, यहाँ पर मार्केट ने फिर क्या सस्टेन किया और फिर देखो 100 पॉइंट दिया, फिर उसके 100 पॉइंट दिया, यहाँ पे मार्केट ने फिर यहाँ पे क्या किया सपोर्ट लिया और फिर सॉरी रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद देखो 100 पॉइंट दिया, मार्केट फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर 100 पॉइंट दिया। तो ये अगर मैं ये बात करूँ ये साइडवेज मार्केट है, अप एंड डाउन चल रहा है, मगर स्कैल्पिंग के पर्पज से बहुत सही है। देखो स्कैल्पिंग सबसे अच्छा अगर आप कर सकते हो ना एज अ ट्रेडर, मैं बता रहा हूँ कि स्कैल्पिंग आप अच्छा तभी कर सकते हो जब मार्केट साइडवेज हो। मार्केट साइडवेज में स्कैल्पिंग करोगे बढ़िया आपका प्रॉफिट एक्शन रिवॉर्ड रहेगा, उसमें बढ़िया प्रॉफिट होगा, थोड़ा कम होगा मगर बहुत बढ़िया होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर होता है, कैंडल्स के ऊपर ट्रेड होते हैं स्कैल्पिंग में, जहां पे जैसे ये कैंडल्स कुछ कैंडल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है स्कैल्पिंग के लिए, दो तरह से स्कैल्पिंग कर सकते हैं हम लोग, दो तरह से कैसे, एक तो कैंडल के ऊपर और एक इंडिकेटर के ऊपर। वीडियो टाइम नहीं लगा बनाऊंगा, नहीं मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, मगर हाँ स्कैल्पिंग के लिए वीडियो बहुत जल्दी बना के मैं डालूंगा और उसमें फायदा क्या होगा आप लोग, कैंडल्स को पहचानोगे आप एक ट्रेड मार लोगे, ठीक है। अपसाइड में डाउन साइड में कैंडल को पहचानना है, डाउन साइड में ट्रेड मार लेंगे, अपसाइड में ट्रेड मार कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उस पर क्या होता है स्कैल्पिंग जो है वो साइडवेज मार्केट में अच्छा रिटर्न रिवॉर्ड आपको देकर जाता है, ठीक है। एनालाइज करते हैं कि भाई 7 तारीख को मार्केट ने किया गया, 7 तारीख को मार्केट ने जो है मार्केट देखो पॉजिटिव तो है मार्केट यहाँ से, क्योंकि डिप बहुत अच्छा मिल गया था मार्केट यहाँ पॉजिटिव, प्राइस एक्शन देख लो इस तरह से मार्केट जो है
कभी भी मार्केट जो अपने सपोर्ट को, अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, अगर वो रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट अपसाइड मूव करेगा। अभी अभी देखो क्या हुआ है, यहाँ मार्केट में यहाँ पे आके सपोर्ट किया है, सपोर्ट कर रहा है मार्केट, यही सस्टेन कर रहा है, टाइम बिता रहा है, सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे मार्केट अपसाइड में गया। मगर इसे यहाँ पे हम लोग जो ट्रेड इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कैंडल जो है वो हम देखो क्लियर करने के लिए कैसे कैंडल चाहिए, इस तरह का कैंडल नहीं। हाँ, स्कैल्पिंग करने के लिए जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात जो कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप साइडवेज मार्केट में कर सकते हो। मगर अगर आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, तो डायरेक्शनल ट्रेड के लिए आपको प्राइस एक्शन को तरीके से देखना होगा, प्लस उसके साथ अगर मार्केट को यहाँ पे क्या थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, साइडवेज हो गया, थोड़ा सा डिप दिया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मगर ये चार्ट बना हुआ है तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि हाँ यहाँ स्कैल्पिंग हो सकता था, मगर वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं देख रहा हूँ कहाँ पे स्कैल्पिंग हो सकता है, वो मैं पढ़ाऊंगा, मैं आगे बताऊंगा उस चीजों में कि कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कैंडल को देखकर स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, कि अपसाइड में हम जो है वो 20 पॉइंट 30 पॉइंट के लिए मैं कैसे ले सकता हूँ, डाउन साइड में कैसे ले सकता हूँ, कौन सी कैंडल बनने के बाद मैं ट्रेड ले सकता हूँ, क्या इंडिकेटर लगाऊंगा जिसके क्या रिस्क रिवॉर्ड रहेगा मेरा, तो सारी चीजें उस पर वीडियो बनेंगी और बना के मैं अपलोड करूंगा। मगर उससे पहले कि आपको देखना है कि कल के लिए मार्केट जो है, कल मंडे है, कल का मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट पॉजिटिव तो रहेगा, मगर हमें देखना है कि किस तरह से प्ले करना है। अब मार्केट में एग्जैक्ट जो ट्रेड है, यहाँ तो कोई ट्रेड नहीं है, अगर लॉन्ग व्यू के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग व्यू के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई जो है कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, ट्रेड कब बन रहा है, देखो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट को जो है रिस्पेक्ट किया है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने के बाद जो है मार्केट यहाँ पे जो है आप साइड में ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट हुआ, प्लस ये कैंडल पे भी आप फॉर्मेशन पे भी, कैंडल फॉर्मेशन पे भी आप ध्यान दो, ये कैंडल्स पे भी आप ध्यान दो। देखो एक कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ऐसे कैंडल्स है जिसपे आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, कुछ ऐसे कैंडल फॉर्मेशन के बाद देना पड़ेगा। मान चलो आप गलत हो, अगर आपका ट्रेड गलत हो गया, कोई बात नहीं यार, अपना एसएल दो और बाहर निकलो, उसको होल्ड नहीं करो, अपने पोजीशन को एग्जिट करो, जितना जल्दी हो एग्जिट करो, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड बन रहा है उस हिसाब से आप एग्जिट कर दो। लेकर बैठना नहीं है कभी मार्केट में, ले लिया यार होप में बैठे, आएगा आएगा, मान के चलो कि आपको लॉस चल रहा है, 5000 रुपए का लॉस चल रहा है और आपको होप है कि नहीं आएगा आएगा, और वो आता भी है, मगर उस समय आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या कर रहा है कि एग्जिट होना है तो होना है, चाहे उस दिन आपको प्रॉफिट हो सकता था मगर आपको लॉस में निकलना है, मगर निकलना है, क्योंकि वो आपका साइकोलॉजी को खराब करेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। उस हिसाब से आपको सब कुछ, हर एक कैंडल्स पर आपको ध्यान देना है कि कौन से कैंडल्स जो है फॉर्मेशन, हर एक कैंडल सॉरी कुछ ऐसे कैंडल्स है जिसको आपको जो है इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, जैसे ये यहाँ पे कैंडल बना, इसका इंपॉर्टेंस क्या था वो आप लोगों को पता है, मैंने ये पढ़ाया भी है आप लोगों को कि क्या कैंडल्स का फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी देखो क्या कैंडल्स का फॉर्मेशन है, कब कौन सी कैंडल बनता है फॉर्मेशन के बाद हम क्या प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट शूट किया, फिर साइडवेज हुआ, फिर मार्केट शूट किया और फिर साइडवेज हुआ, 100 पॉइंट के बीच में ये स्कैल्पिंग के लिए हो गया, ये साइडवेज हो गया मार्केट, तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग दिन पूरे दिन ट्रेड लेना नहीं है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जिनों जिनका ट्रेड ये छूट गया वो यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट बना हुआ है, बहुत ही होता है बकवास करना, मैं बकवास कर रहा हूँ, मगर जो पढ़ा है उसके हिसाब से अगर देखोगे चीजें समझ में आ जाएंगी तरीके से। प्लस दूसरी चीज है कि आपको मैंने ये भी बताया कि जब तक 20 ईएमए के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, जब आपने ट्रेड लिया है और 20 ईएमए के ऊपर चल रहा है मार्केट, जब तक 20 ईएमए के मार्केट नहीं तोड़ता आपने ट्रेड करते चले जा सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठ सकते हो। यहाँ पे क्या है कि यहाँ से मार्केट देखो यहाँ शूट हुआ, जहाँ पे भी आपने एंट्री बनाया, यहाँ बना लो एंट्री, यहाँ बनेगी एंट्री, जहाँ भी बन रहा है आपकी एंट्री वहाँ बना के 20 ईएमए के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, अपना ट्रेड कर सकते हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड पूरा हो गया, बुक करके निकल सकते हो, क्योंकि मार्केट जो है 200 पॉइंट के रेंज में ये घूम रहा है। कल के लिए क्या रखेंगे ध्यान, कल के लिए ध्यान रखना ये है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है जहां तक मुझे लग रहा है मार्केट, और मार्केट जो अच्छा रैली आपको देखने को तब मिलेगा जब 50,000 से ऊपर मार्केट निकलेगा, अच्छा रैली मिलेगा और अपना बीटी लेवल जो होगा अपसाइड में, अगर फ्लैट ओपन होता है यही मार्केट ओपन हो जाता है, जो एवरेज क्लोजिंग है 49,800 की, एवरेज क्लोजिंग है 49,803 के, ऑलमोस्ट यहीं पे मार्केट जो है बंद हुआ है, हमें इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर जो सेफ ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर 50,000 के ऊपर आप ट्रेड करो, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको, 50,000 के ऊपर ट्रेड करो। देखो बैंक निफ्टी में जो है ना, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट 200 पॉइंट मायने नहीं रखता है, उसको आप जो है आप सभी ट्रेड लेना है, 50,000 से ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करते हैं आप उसके ऊपर लो, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप हो जाता है 10 से 15 मिनट सस्टेन करता है, आप साइड का व्यू बना सकते हो, बीटी लेवल क्या होगा अपना, चाहे यहाँ से भी अगर इस रेंज में नहीं कर रहे तो हमारा बीटी लेवल लगा हुआ है, ये बीटी लेवल है, तो इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। मगर इसके ऊपर बीटी लेवल क्या होगा हमारा, बीटी लेवल होगा आपका 50,233, ये अपसाइड के जो मेन लेवल है, ये अपसाइड में, डाउन साइड में लेवल लगा हुआ है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेकडाउन करेगा प्ले करेंगे, ब्रेकडाउन किसका होना चाहिए, इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, मार्केट यहाँ खुलता है इसका ब्रेकडाउन होता है, लेवल उसी हिसाब से वर्क करेंगे, जहां पर मार्केट खुलता है उस रेंज में ट्रेड शिप नहीं करना, अपसाइड में तोड़ेगा सस्टेन करेगा, रिटेस्ट मिलता है, मेरा देखो साइकोलॉजी जो है वो मेरा क्या है, ब्रेकआउट करता है ठीक है, प्लस अगर रिटेस्ट मिलता है बहुत अच्छी बात है, अगर रनिंग कैंडल का ट्रेड होगा मैं ले लूंगा, रनिंग कैंडल का ट्रेड इसलिए लूंगा, अगर फॉलोअप में कैंडल बन रहा है ये बना, फिर एक फॉलोअप में ये कैंडल बन गया, फिर फॉलोअप में ये बना, इस तरह से कैंडल बनेंगे नहीं लूंगा, मगर इस तरह से कैंडल बनना चाहिए, फॉलोअप कैंडल है, इस तरह से फॉलोअप कैंडल है, जब एक कैंडल बनता है ना ये, तो 2-3 कैंडल फॉलोअप में, 2 कैंडल तो बन जाते हैं फॉलोअर्स में, तो ये मैं स्कैल्प में ले सकता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लूंगा, मार्केट शूट कर गया भाई, तो कॉस्ट टू कॉस्ट के बाद ट्रेड भी कर सकता हूँ मैं, तो ये व्यू रहेंगे कल के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो यार।